प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे अजीजों, छोटा सा संदेश है और सूचना भी है, संदेश भी है और एक तरह से आपको याद दिलाना भी है। तो पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे तूने बोला वैसे मैं बोलूं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में पिता, और जहां जहां ये वचन जा रहा है पिता वो याद कर सके कि आने वाले 4 महीने कैसे है जो आपने बताया, और वैसे ही होने स्टार्ट हो चुका है पिता, दया कर सभी पे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा भी मैंने बोला कि ये एक सूचना भी है, ये एक संदेश भी है और एक आपको याद दिलाना भी है, सचेत करना भी है। कैसे सचेत करना है कि आपको पता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने 4 महीने कैसे है देश देश के पीएम के लिए, प्रभु के दासों के लिए, हम सब के लिए। और ये आप भूल मत जाना, क्योंकि ये 4 महीने हम जीवन के संकट भरे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर दया करेंगे, है ना। प्रभु दया करेगा और परमेश्वर जब हम पर तरस खाएगा तो हम पे रहमत भी करेगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, दूसरी बात, स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा यूपी में बुखार है, कितना फैल गया है ना, वायरल फीवर इतना फैल गया, संकट आ गया, बच्चों पे संकट आ गया है ना। आने वाले, अब देखो कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अगस्त के महीने में 4 लाख एक्टिव थे, अब 3 लाख एक्टिव थे, 4 हो गए 10 दिन के अंदर, इतनी बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ रहे हैं, है ना, युद्ध बढ़ रहा है हर चीज़, मतलब अब 4 महीने में संकट दिन पर दिन बढ़ रहा, दोबारा बाढ़ आने लगी, दोबारा संकट आने लगा। तो मेरे अजीज, तो 4 महीने प्रार्थनाओं को हमें समय देना है। नौकरी चाकरी शादी ब्याह ये तो होता रहेगा, लेकिन ये समय है, जब फ्यूचर बचेगा जब तो कुछ होगा, हम इसमें लग जाते हैं तो हमें प्रार्थना का टाइम नहीं मिलता। हमें प्रार्थना का टाइम चाहिए, हमें फास्टिंग टाइम चाहिए, हमें वचन का टाइम चाहिए, हालेलुया। ताकि हम तो बचे, ये नहीं अरे मुझे क्या हो रहा है, मैं तो प्रभु का दास हूं, मुझे को तो कुछ लेना देना नहीं, मैं विश्वासी हूं, दुनिया में होगा मेरे पे नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आप खुद बच कर तो दुनिया को बचाओ, ये मसीहत का एक नेचर है। हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरे लिए जीना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर हमें इसलिए तो बनाया है, हम अपने परिवार की प्रार्थना करें ना करें, लेकिन दूसरे की प्रार्थना करके परमेश्वर अपने परिवार की सुरक्षा देगा, ये है। और दूसरी बात है, जो आने वाली 4 महीने उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जरूर देखना। सितंबर आने वाले 4 महीने देश और देश के पीएम के लिए और आने वाले 4 महीने की भविष्यवाणियाँ जरूर देखना, ठीक है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। एक वचन संदेश जो प्रभु ने मुझसे कहा है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ूंगा यज्कल 3:17 क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। पहरवा नियुक्त किया है, परमेश्वर धन्यवाद। पहरों का काम है बताना, जगाना, सचेत करना, हालेलुया। नियुक्त किया है, तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चताना, सचेत करना। इसलिए मेरे जिदो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि, और फिर जब 33 पढ़ते उसमें लिखा है कि जब तलवार चलने लगे उस देश पे, तलवार चलने लगे और पहरुआ ये देखकर ना सचे, तो वो खून का बदला पर वो मुझसे लेगा। लेकिन जब मैं बता देता हूँ तो मेरी क्या होती है, मैं हल्कम फील करता हूँ, मेरा काम होता है। प्रभु अब मैंने बता दिया, कल को आप शिकायत नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे, हमें कोई बचाने नहीं आया, हमें कोई सचेत करने नहीं आया, हमें चताने नहीं आया। तो परमेश्वर कह देगा, मेरे अपने दास को भेजा था, लेकिन तुमने मेरी उनकी बात क्यों नहीं मानी। मती 10:40 में लिखा ना, जो तुम्हें ग्रहण करता मुझे ग्रहण करता, जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है, हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, सचेत करना परमेश्वर का, मेरे पे दासों के द्वारा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा तुम्हें 100 गुना प्रतिफल दे, और आपने हमें सचेत कराया, आपने हमें सावधान कहा है, आपने 4 महीने सुरक्षा देना पिता, हर दादासी परिवार, हर विश्वासी, हर मसीह भाई बहन, हर पिता देश और पिता इंडिया देश में, पिता परमेश्वर देश के पीएम के लिए, और प्रभु जो संकट आ चुका है, स्टार्टअप हो चुका है, पिता उस पर तेरी दया हो, हर मसीह भाई पे, हर दुनिया पे, हर इंसानों पे पिता तेरी दया हो, तेरी रहमत हो। प्रभु जी इस प्रार्थना को पिता अपने हाथ में लिए दया धन्यवाद करते हैं पिता। आने 4 महीने हम सबको सुरक्षा देना पिता, हमारा आना जाना, उठना बैठना सब तेरी महिमा के लिए हो पिता, सुरक्षा देना हर किसी को पिता, और अपनी इच्छा में पिता, अपनी इच्छा में बदलना, इस संकट को पिता रोक देना, फिर भी हमारी नहीं मतलब आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर में हम आपको देते हैं, प्रातः यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको सुपर ब्लेस करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो उसको जरूर करें और शेयर करें, ताकि हर एक प्रतिफल आपके जीवन मिले। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। फिर मिलेंगे, प्रभु ने चाहा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।